शांति। अगर आपका मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, कोई भी विघ्न या परिस्थिति आने पर उसको बहुत डर लगता है, तो जैसे हम एक छोटे बच्चे को कोई बात पक्की कराना चाहते हैं, तो हम उसको बार बार उसी बात को दोहराने के लिए कहते हैं। तो अगर हम भी अपने आप को शांति का, शक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं, तो हमें भी इस सम्मान का अभ्यास कुछ दिन तक अवश्य करना चाहिए। तो इस सम्मान का अभ्यास कैसे करना है, आज हम अनुभव करेंगे। तो आप किसी भी स्थान पर जहाँ का वातावरण शांत हो, आप उस स्थान पर बैठिए और बड़े प्यार से स्वयं को मस्तक के बीच में देखिए और फील कीजिए कि मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहा हूँ। और अपने आप को अनुभव कराएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। अब देखिए कि परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु बिल्कुल मेरे सन्मुख है और शांति के सागर से अनंत किरणें निकल रही हैं और मैं आत्मा इन किरणों में नहा रही हूँ। एकदम शांत हो रही हूँ, मेरे अंदर की सारी हलचल समाप्त हो रही है और मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। अब अपने आप को गहराई से अनुभव कराएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है, मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में
बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। स्वयं भगवान का हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं हर बात में, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में बिल्कुल शांत रहती हूँ। जब आप कुछ दिन तक लगातार इन सोमानों का अभ्यास करेंगे तो निसंदेह आपके मन को पूरी तरह से ये पक्का हो जाएगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ, स्वयं भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किसी भी परिस्थिति में, विघ्न में डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़े प्यार से, सच्चे दिल से परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से अपने आप को अनुभव कराएं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
शांत।